वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर में आईटीएम यूनिवर्सिटी में एरिस एग्रो लिमिटेड के सहयोग से स्थापित आईटीएम ड्रोन ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्वाभिमानी और स्वावलंबी युवाओं से भारत ग्लोबल पावर बनेगा। मंत्री ओपी चौधरी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के हाल के बजट में इंटर्नशिप के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि देश के 1 करोड़ से ज्यादा यूथ इंटर्नशिप लेकर देश के मैन पावर की कमी को दूर कर सकें। दुनिया का 20% युवा भारत में है, दुनिया को काम करने वालों की जरूरत है। यहाँ 7 दिन की ड्रोन ट्रेनिंग कैरियर के लिए ज्यादा कारगर हो सकती है। आईटीएम ड्रोन ट्रेनिंग एकेडमी प्रदेश की पहली ड्रोन ट्रेनिंग एकेडमी है, जो 7 दिनों के प्रशिक्षण में ड्रोन दीदी और ड्रोन पायलट तैयार करेगी। वे DGCA सर्टिफाइड पायलट कहलाएंगे। आईटीएम यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन के अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता लाने बहुत जल्द डिग्री एवं मास्टर प्रोग्राम भी प्रारंभ करेगी। ड्रोन दीदी की उनकी परिकल्पना है और भारत देश की माताओं बहनों को महिलाओं को सशक्तिकृत करते हुए ड्रोन दीदी बनाकर उनको उनके स्वाभिमान में वृद्धि करना, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना एक बड़ा मिशन है, एक बड़ा विजन है। उसी के तहत ड्रोन दीदी और ड्रोन ट्रेनिंग के कार्यक्रमों को मैं देखता हूँ और आज आईटीएम यूनिवर्सिटी ने ड्रोन एकेडमी की स्थापना की है एरिस एग्रीकल्चर के साथ। ये बहुत ही बड़ा दिन है और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहन बहन जो ड्रोन दीदी बनेंगे और भाई भी ड्रोन की ट्रेनिंग करके ड्रोन पायलट बनेंगे और एक अच्छा आय अर्जन कर पाएंगे। आज अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयबिलिटी है, आज अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयबिलिटी है। तो इस चीज को समझते हैं कि किस चीज को देश की जरूरत है, किस चीज किस स्किल की देश को जरूरत है, किस स्किल की इंटरनेशनली जरूरत है, उन सब चीजों का अध्ययन करके समझ के, बदलती हुई परिस्थितियों को समझ के जो युवा भाई बहन काम करेंगे उनको इसका बड़ा बड़ा लाभ मिलेगा।